हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुमन स्टोरी। और आज इस सेटअप में मैं आज ये जो वीडियो है वो शूट कर रहा हूँ। इसका कारण है ये प्रोडक्ट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप लोग देख रहे थे कि मैं कुछ दिनों से छोटा मोटा मोटो व्लॉगिंग कर रहा था। अभी टाइम आ गया है कि कुछ लंबा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। और उसके लिए हमें कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशंस अपने रेडॉन में यानी कि मीटियोर में करना है। सभी को पता ही होगा जो मोटर व्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या बाइक से जो घूमना पसंद करते हैं उनको पता ही है, ज़्यादा सामान गाड़ी में बाइक में कैरी करने के लिए सैडल बैग अगर लगाना है तो उसके लिए सैडल स्टे लगाना होता है। आज मैं एक सैडल स्टे लेके आ गया और इसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसा है, आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं इसको इंस्टॉल करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। पूरा सिस्टम मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूं ये BS कंपनी का है, ये एक्चुअली महाराष्ट्र का एक कंपनी है, मुंबई का ही है। वहाँ से ये लोग ये सैडल स्टे प्रिपेयर करता है। सैडल स्टे देखिए आज के डेट पे बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट पे मीटियोर के लिए, पर ये पर्टिकुलर सैडल स्टे मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका दोस्तों MRP जो है 2720 है, पर मैंने ऑफलाइन स्टोर पुणे से जो लिया है वहाँ पे मुझे इसका प्राइस पड़ा 2300। ये ऑनलाइन भी मिल रहा है, हालांकि ऑनलाइन में इसका प्राइस कुछ 2700 के आसपास ही है। इसका दो चीज़ जो मैं जिसके लिए मैं ये पर्टिकुलर सैडल स्टे को परचेस किया, एक तो है ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं ये आपके सीट वाले दोनों स्क्रू में लगेगा और ये नीचे आपके फुट पेग में लगेगा, बैक साइड वाला फुट पेग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होल्स है इसके लिए आप जेरी कैन वगैरह लगाने का जो होल्डर होता है वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरी बात है ये कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील का बना हुआ, ये SS मटेरियल है, थिन पाइप है, फिर भी बहुत स्टर्डी है। ये आपको मतलब इसको प्रेस करने से आपको समझ में आएगा कि बहुत ही स्टर्डी है और लाइट वेट भी है क्योंकि स्टील है। लोहा होता तो ये एक तो पाइप भी मोटा हो जाता है और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बाइक का ओवरऑल वेट बढ़ जाता है और लोहे में रस्ट वगैरह आने का चांसेस रहता है, इसमें वो चांस नहीं है। ये राइट साइड का है और ये लेफ्ट साइड का है, तो ये दोनों अपने बाइक में अभी फिट करना है। तो अभी नीचे चलते हैं पार्किंग में, मेरा रेडॉन उधर खड़ा है, उसमें ये फटाफट फिट करते और बताते कैसे फिट करना है। तो चलिए एकदम एज इट इज भाई, अगर दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से निकला हुआ एक लेग है यहाँ पे और एक लेग यहाँ पे है, ये दोनों अपना मीटियर का जो सीट है, बैकरेस्ट है, बैकरेस्ट वाले यहाँ पे स्क्रू में अंदर से लगाया गया है। और ये भी सेम, आप देखिए बाहर से नहीं, बैकरेस्ट के अंदर लगाया गया है यहाँ से। सिमिलरली इस तरफ देखिए, इसको ला के यहाँ पे अंदर और ये, और इसका नीचे का जो लेग है ये आया है यहाँ पे फुट पेग पे, दिख रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं फुट पेग पे लगाया गया है। दोस्तों अभी इसका स्टेबिलिटी मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही भारी गाड़ी है और ये पूरा इससे ऊपर चढ़ रहा है और मैं भी इसके ऊपर चढ़ गया, तब भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो ये ओवरऑल बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोस्तों अगर चाहे तो इसको ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर ख़त्म, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो पर एक नए जर्नी लेके। तब तक के लिए जय हिंद।